ओके, सो ये हमारा एक डैशबोर्ड व्यू है जो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, बट हमें स्टार्टिंग से कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन करना है। इसकी कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगी बहुत शॉर्ट सिंपल ब्रेकडाउन में। मैं एक एक चीज़ दिखा दिखा के फिर अप्लाई करूंगी, जस्ट बिकॉज आपको वो टूल्स के बारे में, वो कमेंट्स के बारे में, वो फॉर्मूलाज के बारे में पता चले। हमने इसके पहले वीडियोज़ में क्या किया था, जस्ट एक डैशबोर्ड कैसा होता है वो हमने व्यू कर लिया, लेकिन एक्चुअल में डैशबोर्ड के स्मॉल स्मॉल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड या एक्सपर्ट तो नहीं बनाएंगे, बिकॉज दिस कोर्स इज समथिंग विच इज़ इंटरैक्टिव एंड कस्टमाइज फॉर इंटरमीडिएट लेवल। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा करके किस तरीके से आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो। अब वो क्रिएटिव कैसे होगा, दैट यू हैव टू थिंक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक रोड का आइकन है, इफ यू कैन सी देयर इज वन रोड आइकन, ठीक है। तो ये क्रिएटिव चीज है विच यू कैन थिंक व्हाइल डिजाइनिंग द डैशबोर्ड। ओके, तो ये हमने कुछ इस तरीके से उसको बनाया हुआ। ओके, सो देयर इज वन डैशबोर्ड रूट्स। यहाँ पे मैं रूट्स पे क्लिक करती हूँ, ये डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो दो अलग अलग वर्कशीट्स को लिंक किया गया। यहाँ पे एक स्लाइडर है, मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूँ, ठीक है, तो वो फॉर्मेट में ही बिगड़ गया। एनीवेज, ये ड्राइवर वन पे आ गए हम, ड्राइवर वन कैंसिल, हमें ड्राइवर थ्री का इंफॉर्मेशन दे दो, कैंसिल, आई वॉन्ट टू नो अबाउट रूट थ्री, रूट फोर, कैंसिल, अगेन कमिंग टू द डैशबोर्ड। तो देखो ये नीचे स्विच हो रहा है, अगर मैं रूट्स पे हूँ तो मुझे रूट्स पे भी आना पड़ेगा, दैट इज इट। अब मैं मंथ्स पे क्लिक करती हूँ, मई, जुलाई, सितंबर, ये देखो बार्स भी चेंज हो रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये जो ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक डिज़ाइन है, एक बेसिक डिज़ाइन। तो शुरू होता है यहाँ से, एक डेटा है हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड है, उसके मंथ हैं विच इज़ टिल दिसंबर, 12 महीने हैं। रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया है कितना कंज्यूम हुआ है, फायरवुड कितना कंज्यूम हुआ, उसमें पैलेट्स, टोटल वेट, वैल्यूज ऑफ कार्गो, रूट, रूट चार तक है, रूट वन, टू, थ्री, फोर, चार चीज़ें जो कंटिन्यूसली रिपीट हुई है, माइलेज कितना है, फार कितना गया है, रेगुलर, क्लोज, यू टर्न, वन वे, कार्स कौन सी है, फ्यूल का कंसम्पशन कितना हुआ, फ्यूल का बजट कितना था, उसमें डेप्रिसिएशन, ड्राइवर अपने पास कितने हैं, तीन ड्राइवर है जो कंटिन्यूसली रिपीट हुए, उनकी सैलरी, उनकी ट्रिप्स, उनकी KPI परफॉर्मेंसेस एंड उनके बोनसेस। आप देखोगे डैशबोर्ड जो अप्लाई करते तो मैक्सिमम ना हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कैरेक्टर्स ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल डेटा बहुत ज़्यादा होता है। देखोगे इसमें आप तो हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ डेटा वी हैव, दिस जैन वन और दिस कार्स, ये दो मैं बोलूँगी प्योर कैरेक्टराइज डेटा है, बट अगर मेरे को और चलो इंक्लूड करना है तो रूट एंड ड्राइवर, ये फोर हमारा कैरेक्टराइज डेटा हो गया, बाकी सब आप देख लो कम्प्लीट दे ऑल आर न्यूमेरिकल डेटा। क्योंकि डैशबोर्ड तो ग्राफ में काम करेगा ना, ग्राफ्स के लिए तो आपको नंबर्स ही चाहिए रहेगा। सो मेक श्योर अगर आप डैशबोर्ड पे वर्क करना चाहते हो तो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो डेटा उतना हो तो ही आप ग्राफ इसी भी परफॉर्म कर पाओ। नाउ वी कम टू द रिसोर्सेज, मतलब हम कुछ पिक्चर्स वगैरह यूज करने वाले हैं, तो हमने पहले ही बता दिया कि देखो ये ऐसे कुछ इमेजेस हो गए विच वी माइट यूज, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज हमने डाल के रखे हैं, इनपुट वैल्यू, पहले सारा कैलकुलेशन जो हाँ हम इस डेटा को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डन इज फ्यूल कंजप्शन गैलन पर 100 मिलीलीटर। यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्स हैं जो शायद कंटिन्यूस हुई थी, कार्स वाले सेक्शन में देखो 3 कार्स है जो कंटिन्यूसली रिपीट हुई। कैसे पता चलता है,
हम इसको फिल्टर लगा देते हैं। क्या लगा रहे हैं? फिल्टर। पूरे एंटायर डेटा पे मैंने क्या लगा दिया? फिल्टर। देखो कार्स पे क्लिक किया तो सिर्फ तीन ही हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है, इसलिए हमने फ्यूल कंजप्शन और 976 ठीक है उनका डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे साइड में लिख दिया 976 एंड व्हाटसोएवर। तो अगर मैं कार्स की बात करूँ यहाँ पे तो इन्होंने अपना डेप्रिसिएशन भी फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से निकाला है। यहाँ पे डेटा के अंदर भी फॉर्मूलाज को अप्लाई किया गया है, ठीक है। आप अगर देखोगे आई टेल यू, ये देखो ये जैन है, फिर नॉर्मली रॉ मटेरियल दिया गया, फायरवुड है, पैलेट्स है, फिर इनको क्या कर दिया, टोटली ऐड कर दिया, सम कर दिया, तो हमें टोटल वेट पता चल गया। अभी वैल्यू ऑफ कार्गो भी कैसे निकाला है इन्होंने, ये वैल्यूज को स्लैश 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 करके एड ऑन करना चाहिए, फिर रूट वन के माइलेज फेयर और रेगुलर क्लोज यू टर्न कितना हुआ फिर वो बता दिया कि अगर रूट वन के हिसाब से गया इतना माइलेज चलाया है जस्ट इन केस, तो वो जितना अप एंड बॉर्डर पे होगा उसके हिसाब से यू टर्न एन वन पे डिसाइड किया जाएगा। ये एक्सेल शीट आपको दी जाएगी ताकि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मूलाज को समझने में आसानी हो। फिर उन्होंने वापस कुछ वैल्यूज दिए है, अगेन दे हैव अप्लाइड सम फंक्शन कि अकॉर्डिंग टू दिस दैट कुड बी डिवाइडेड बाय 100 और ये वैल्यूज उन्होंने सिलेक्ट कर दी विच इज इन टू, तो इनपुट वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो बेसिकली ना इफ यूज करना कुछ एक्सटर्नल, तो इस तरीके से सब फॉर्मुलेटेड डेटा जो फॉर्मूलाज हम पूरे थ्रू आउट द फंक्शन अब तक सीखा है, तो बस थोड़े हाई लेवल एंड पे फंक्शंस हैं, आप इसको अप्लाई करिए जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये मेन डेटा रेडी होता है, बट इनपुट वैल्यू में हम चीज़ को सेग्रीगेट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन ये USD के हिसाब से दे दें, ये ड्राइवर्स भी तीन ही थे, उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बता दी और उनकी जो बिजनेस टिप्स है पर 100 के हिसाब से कार्गो के KPIs और बोनसेस जो है वो यहाँ पे बता दी पर वैल्यू। अभी ये कार्गो का फायरवुड और प्राइस पैकेज एंड वेट, फिर उसके हिसाब से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें सेग्रीगेट कर, मतलब जितने भी टेबल हेडिंग्स थे ना उनको इनपुट वैल्यू में सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिया। अब ये समझने वाली चीज़ है, ये सेग्रीगेट करना कैसे तरीका होता है, जो भी मेन डेटा है लाइक मंथ इज द मेन डेटा, रॉ मटेरियल इज द मेन डेटा, फायरवुड मेन डेटा, क्योंकि इसमें फार्मूलाज नहीं है, तो वो सारा किस में चले जाता है, हमारा हेडिंग्स में चले जाता है, ठीक है। जो फॉर्मुलेटेड डेटा है, जो नंबर्स है, वो हमारे आउटपुट वाली वैल्यूज में वो लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है इनपुट वैल्यू में इस चीज़ को अपडेट करने के लिए, जिसके लिए हम एक अलग से वर्कशीट बनाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं डेटा पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये पिवट डेटा, क्या ये पिवट डेटा कैसे आया, ये हमारा ऑफकोर्स हमने डेटा को इंट्रोड्यूस जब किया होगा तो यहाँ पे हमने पिवट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने 4 या 5 बार पिवट लिया और इसी में वर्कशीट को अप्लाई कर दिया, विच आई शो यू इन अ प्रैक्टिस। ये इसमें क्या होता है, आपने जैसे पिवट को इंट्रोड्यूस किया है तो एज यू कैन सी योर इनपुट वैल्यू, ये इनपुट वैल्यू का छोटा छोटा पिवट यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये रो लेबल्स का अलग से, ड्राइवर्स का अलग से, सम ऑफ वैल्यू का अलग से, फिर ये रो टेबल्स का अलग से, रूट का अलग से, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पिवट बनाना ही पड़ेगा। जितने आपने ब्रेक डाउन किए हैं इनपुट वैल्यू में उसका आपको क्या रेडी करना है, पिवट। डेटा का पिवट नहीं बन रहा है, इनपुट वैल्यूज का आपने बना दिया यहाँ पे पिवट। चलो इसके आगे क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, यहाँ तक मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ, रिपीट दिस वीडियो अगेन और फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखना।